हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट फूड। और मैं हूं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता सिन्हा। और इस चैनल पे आपको सारी हेल्दी रेसिपीज मिलेगी। जो भी रेसिपीज मिलेगी वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी तक मैंने 2-3 रेसिपीज डाली है, वो सारी हेल्दी रेसिपी है। और आपने अगर ट्राई किया है तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने ट्राई किया और आपको कैसा लगा। आप कमेंट्स में ये पूछ सकते हो कि अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा, आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आगे भी आपको कोई रेसिपी चाहिए, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो कि मुझे ये हेल्थ प्रॉब्लम है, आप इससे रिलेटेड मुझे कोई रेसिपी बताओ। और आपके डेली रूटीन में अगर आपको कोई डाइट फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई इजी टू कुक रेसिपी भी मैं बताऊंगी जो आपको कम टाइम में अच्छी हेल्दी रेसिपीज मिल सके। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अपने क्वेरी, अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में डालो, अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने खाने को कैसे आप ज़्यादा हेल्दी बना सकते हो, सारा कुछ आप पूछ सकते हो। मैं सब सारे उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको आपकी हेल्प करूँगी। और आज का तो आज की मेरी रेसिपी है माल्टेड रागी पॉलिज। और रागी को मरुआ भी बोला जाता है, नॉर्थ में से मरुआ बोला जाता है, महाराष्ट्र में से नासिन बोला जाता है, और इंग्लिश में इसका नाम फिंगर मिलेट्स है। तो ये मिलेट्स ऐसा है, मीन्स अगर ये डायबिटिक वालों के लिए वरदान है और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हेल्पफुल मिलेट्स है। अगर आप इसकी रोटी बना के, इसकी पॉरिज बना के, इसका मुद्दे बना के खा सकते हो, अपने डाइट में इसे शामिल कर सकते हो तो एक हेल्दी ऑप्शन है। और इसमें चूंकि फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे आप नाइट में ना लेके, या तो मॉर्निंग में या तो अपने लंच में लें, ब्रेकफास्ट या लंच में। क्योंकि अगर रात में ऐसे भी हमें ज़्यादा फाइबर नहीं लेना चाहिए तो रागी, अगर आप रागी ले भी रहे हो रात में तो 7 o'clock तक खा लो तभी सही है। और अगर आप लेट नाइट खाना खाते हो तो रागी नहीं खाना है नाइट में, उसे आप मॉर्निंग में या लंच में ले सकते हो। तो और इसे अपने डाइट में शामिल करो। और इसका पॉरिज बनाना आज मैं बता रही हूँ, जो इजी टू कुक है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, आप 5 मिनट्स में इसे रेडी कर सकते हो। और हाँ, इसका पाउडर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, या तो आप घर से में पाउडर बना लो या तो मार्केट से ले आओ। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे, अगर आपके पास टाइम है और आप जानते हो कि कैसे बनता है माल्टेड रागी पाउडर, तो आप घर में भी बना सकते हो। अगर नहीं जानते हो, अगर आपको बनाने का टाइम नहीं है और बहुत बिजी हो तो आप मार्केट से ले आओ। अगर आप होममेड चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं अवेलेबल करा दूँगी होममेड माल्टेड रागी पॉरिज। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ माल्टेड रागी पॉरिज, और आप ध्यान से देखो और कोशिश करना कि आप इसे डाइट में शामिल करो और आगे भी इसे बनाओ। माल्टेड रागी पॉरिज बनाने के लिए मैंने लिया है 1 glass वार्म वाटर। इस वार्म वाटर में मैं मिलाऊंगी माल्टेड रागी पाउडर, मैंने इसमें 3 चम्मच माल्टेड रागी पाउडर डाला है। अब इसमें मैं इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये वार्म वाटर है इसलिए इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, अगर लम्स हो गया तो फिर ये अच्छी तरह से पकेगा नहीं। देखो मैं धीरे धीरे करके इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ और ये पूरी तरह से मिल चुका है और रागी का घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसे पकाऊंगी, इस घोल को पकाना है। घोल को पकाने के पहले भी थोड़ी अच्छी तरह से मिला लेते हैं, नहीं तो फिर ये लम्स पड़ जाएगा। अब देख सकते हो मैं इसे धीरे धीरे चला रही हूँ ताकि ये नीचे बैठ ना जाए और इसमें लम्स नहीं हो। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी और थोड़ी सी जैगरी डाली है, इससे इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा और ये सॉफ्ट भी होगा। और घी और जैगरी हेल्दी भी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो मैं इसे अब धीरे धीरे चला रही हूँ और चलाते चलाते जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो ये बन के तैयार हो जाएगा। तो अब देख सकते हो कि धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, अब ये गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसे चलाना बंद कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा दूध डाल के फिर से पका लेती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा दूध डाल के पका लिया, अब ये रागी पॉरिज पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म खा सकते हो, मैंने इसे गर्मा गर्म परोसा है। और इसे आप सुबह मॉर्निंग में खाने की कोशिश करो।